आज हम बनाएंगे कद्दू की यमी यमी सी बर्फी। इसके लिए मैंने पीला कद्दू लिया है। इसमें ना ही हम कोई कलर यूज़ करेंगे और ना ही डालेंगे प्रिजर्वेटिव। ये बहुत यमी और हेल्दी होने वाली है। ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाने चलते हैं कद्दू की यमी यमी सी बर्फी, जिसको आपके बच्चे बहुत पसंद करके खाएंगे। ये मैंने पेठा लिया है, पीला पेठा लिया है, और इसका जो पील रिमूव कर लिया है। और ऐसे हम उसको छोटे छोटे पीसेस में डाल देंगे और डालेंगे 1 कटोरी चीनी। और इसको लो फ्लेम पे रखेंगे जब तक जो ये चीनी है ये मेल्ट ना हो जाए। इसको हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। ऐसे हम इसको बीच बीच में ढक देंगे और फिर हिलाएंगे। ये हमने 2-3 बार करना है। ये देखिए, ये मेल्ट हो गई है चीनी। अब इसको हम पीस लेंगे। मैं इसको अब ग्राइंडर में डाल रही हूँ। अब मैं इसको पैन में दोबारा से ऐड करेंगे और इसको डाल देंगे अच्छी तरह से और हिलाते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट पाउडर, जो नारियल का पाउडर है वो ऐड करेंगे। नारियल का पाउडर डालने के बाद मैं ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने 20 ग्राम ले लिया है। ये आप थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अलग से दूध थोड़ा सा पका के उसका थोड़ा खोया टाइप का थोड़ा सा थिक बन जाए तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 कटोरी मैंने पहले डाली थी और 1 कटोरी अब डाल रही हूँ। हमारी टोटल 500 ग्राम हमारी चीनी हो जाएगी और 500 ग्राम में हमारा कद्दू हो जाएगा, जो मैंने कद्दू लिया है। और ये बन गई है हमारी बर्फी के लिए तैयार हो गया है। आप देखिए, आप दोनों दो फिंगर के बीच में ये लेंगे और गोली बन जाए तो समझिएगा कि आपकी बर्फी तैयार हो जाएगी। ये अब मैं एक प्लेट लूँगी और उसकी कर लूँगी ग्रीसिंग, और उसमें हम ऐड करेंगे जो हमने वो बर्फी का थिक सा बैटर तैयार कर लिया है। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके पीसेस बनाएंगे। बहुत यमी होगी। इसके लिए आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करके खाएंगे। ये हमारी तैयार है यमी यमी सी बर्फी। अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।